एक्सक्यूज़ मी जी, आप सुनिए जी। जी सिस्टर, आप भाई, आप भी सुने। इस वीडियो में ना आप लोग साथ रहिएगा, लास्ट तक आपको मिलेगी बहुत ही मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन। मिलके देखेंगे मूवी, करेंगे शॉपिंग और करेंगे एंजॉय रन। कैसे सब आए, होप ठीक ठाक होंगे, लश्मश होंगे, मजे में होंगे, जिंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी। अच्छा, एक चीज जो मुझे आजकल सुनने को मिल रही थी, फला मैसेज आ गया, कॉल आ गई, तो जहां पे कहेंगे यार सिनेमाज ओपन है, यार कौन सी मूवी लगी हुई है, तो जी फाइनली गुड न्यूज इज कि सिनेमाज आर ओपन आओ। मैं हमेशा से कह रही थी, शुरू से जब से कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, तो मैंने कहा यार जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग सफर भी कर रहे हैं, सब कुछ चीजें हो रही है, तो सिनेमाज भी अब ओपन कर देने चाहिए। बेशक आप फासले से बिठाएं, दो दो तीन तीन सीट छोड़ के, लेकिन सिनेमाज आर ओपन नाउ, फाइनली गुड न्यूज। और लेकिन एक गुड न्यूज और है जो कि बहुत से लोगों के लिए बैड न्यूज है, लेकिन इस बैड न्यूज को आप गुड न्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं वैक्सीन लगवाकर। वैक्सीनेटेड जितने भी लोग हैं वो मूवीज देख सकते हैं, अपने फैमिलीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और कैफेज है वहां पे जो डाइन इन का ऑप्शन मौजूद है उसे वैक्सीनेटेड लोगों के लिए। नाउ इट्स ऑल अप टू यू, आप लोग वैक्सीन करवाएं और बाकी जितनी फैसिलिटी वो एंजॉय करें। और ऐसा नहीं है ये चीज रूल चेंज हो जाएगा, मुझे लगता है कि टफ ही होगा। जैसे कि कहा जा रहा है कि सिम्स भी बंद होंगी, बैंक अकाउंट्स भी बंद होंगे, तो इसको इजी मत लें, क्योंकि वैक्सीनेशन जरूरी है, ना सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि हमारे इर्द गिर्द जितने लोग मौजूद हैं उनके लिए भी। सो टॉम एंड जैरी मैं मूवी देखने जा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि टॉम एंड जैरी कार्टून मुझे बहुत पसंद है। मैं डीपीज भी लगा रही होती हूँ, कोटेशन भी लगा रही होती हूँ, बट इसका जो एनिमेटेड वर्जन है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें रियलिटी बेस्ड लगेंगी, रियल आपको वो इमेज देगा, रिफ्लेक्ट देगा। और चूंकि मुझे मूड अपलिफ्ट करना था, लास्ट वीडियो में भी आपने देखा, तो आई थॉट कि नहीं यार लेट्स रिगेन आर एनर्जी और काम पे भी फोकस करना है, लेकिन उससे पहले मी टाइम एंजॉय करना है और मी टाइम के साथ साथ टॉम एंड जैरी भी एंजॉय करना है। चलिए मेरे साथ। मेरे मूड मजीद खुशगवार हो चुका है मौसम को देखकर। सुबह की बारिश में मिस कर चुकी थी क्योंकि मैं लेट उठी हूँ, और उसके बाद मैंने लोगों के स्टेटस देखे जाते हुए सफर में, या वाओ यार क्या मौसम है। तो अभी मैं बाहर जब निकली तो आला मौसम है, सीरियसली इतना अच्छा मौसम है कि एसी की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। तभी मैं कुछ मंजर आपको दिखाती हूँ। सो जी अगेन वॉइस ओवर मैं अगले दिन कर रही हूँ, गला अभी तक ठीक नहीं हो रहा, हालांकि मैं हर्बल टी भी पी रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, साथ साथ है। और आज भी अच्छी खासी बारिश हुई है, लेकिन मैं कल का जो व्यू है वो एंजॉय कर रही हूँ स्टिल। मौसम अच्छा है, लेकिन बस दुआ करें कि जो भी बारिश हो रहमत की बारिश हो, किसी भी किस्म का किसी भी इंसान को जानी या माली कोई नुकसान ना हो। बाकी तो हम मौसम एंजॉय करते रहेंगे। बाकी अभी सेंट्रोल्स जा रहे हैं, सेंट्रोल्स मॉल की बिल्डिंग यार दूर से ही नज़र आ जाती है, और इस्लामाबाद का एक बेस्ट पॉइंट है जहाँ पर लोग यू नो शॉपिंग कर सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं, मीटिंग्स जहाँ पर होती हैं, मिलना जुलना होता है। और इंशाल्लाह बाकी आपको कभी इसका प्रॉपर एक विजिट करवाएंगे, व्लॉग बनवाएंगे। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ, सिनेपैक्स का टिकट हम बुक कर रहे हैं, और वैक्सीनेशन वाली बात मैं बाद में बता चुकी हूँ आपको, या पहले बता चुकी हूँ। तो बस ये अंदर का व्यू था, और बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे तकरीबन 1.5 साल बाद इस जगह पर जाकर। मिलते हैं यार, करते हैं बात। वैसे यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, सब चलता है। तो बस क्योंकि मैं खुश हूँ, सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। पॉपकॉर्न कॉर्नर पर जाते हैं और यहाँ से लेते हैं पॉपकॉर्न, और फिर साथ साथ वो एंजॉय करेंगे। और राइट जी, अभी 15 मिनट रहते हैं ऑलमोस्ट, बट मैं रिजिस्ट नहीं कर पा रही थी, एज आई टोल्ड यू गाइस। अच्छा, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो मैंने मैंगो जूस लिया है, नगेट्स लिए हैं, और हॉट डॉग। अच्छा, हॉट डॉग आपने मुख्तलिफ जगहों के ट्राई किए होंगे, आप मुल्क से बाहर भी गए होंगे, और सबवे और मुख्तलिफ ब्रांड्स के, बट अगर आपने हॉट डॉग खाना है ज़बरदस्त था, और आप अपने टेस्ट बर्ड्स को कुछ नया टेस्ट देना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो सिनेपिक्स सेंट्रोल मॉल का जो हॉट डॉग है वो बेस्ट है, सीरियसली। तो चलें खाना पीना शुरू करती हूँ, आप जाएं। मूवी देखने के बाद मैं आ गई थी अलफते, और अलफते से मुझे कुछ सामान लेना था, अपनी आइसक्रीम और कुछ चीज़ें, और कैफेशनों का खाना वो पिक किया, यहाँ पे बिल करवाया, और उसके बाद अब आगे मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ।
सो जी टॉम एंड जेरी होगी और लिटरली मैंने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद ग्रोसरी शॉपिंग कुछ करनी थी वो भी होगी, लेकिन नाउ मैं घर जा रही हूँ। नहीं मैं घर नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ मैरियट, और मैरियट लाइक इवेंट कोई नहीं है, रात के 10 बज चुके हैं, इवेंट कौन सा होगा। मैं क्यों जा रही हूँ मैं बताती हूँ आपको। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी डील्स आ रही थी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की जानिब से कि आप अपना गोश्त, जो अपना गोश्त नहीं गाय का गोश्त बकरे का गोश्त जो आपने किया था कुर्बानी में, उनकी जो रान है वो आप बारबेक्यू करवा सकते हैं, ग्रिल्ड करवा सकते हैं मुख्तलिफ फ्लेवर्स में। सो वो मैंने कल मैरियट पहुंचाई थी। 24 आवर्स का कोई टाइम ड्यूरेशन होता है और 600 पर केजी वो ले रहे थे। जो रान थी जो मैंने उनको प्रोवाइड की थी बकरे की वो 3.5 केजी की थी, तो अराउंड 2,088 रुपीज बने थे इंक्लूडिंग टैक्स। तो वो कल मैंने दी, लेकिन मुझे आज पिक करनी थी 7 बजे। मैंने उनको कॉल किया कि नहीं मैं, क्योंकि मूवी टाइम था तो मैंने उनको कहा कि मैं 10 बजे पिक कर लूंगी। सो आई एम गोइंग देयर। अब टेस्ट कैसा होता है, कौन सा फ्लेवर है, सब चीजें मैं वहां पर जाकर डिस्कस करूंगी। और उन्होंने एक और चीज की थी, कॉम्प्लीमेंट्री 2 नान होंगे साथ, और साथ रायता और सैलेड वगैरह। तो घर जाते हैं उसको टेस्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैरियट। अच्छा जी, मैं टोकन दे चुकी थी और रान वो पिक करने गए थे किचन में, और मैं बैठी थी नादिया कैफ़े में। अच्छा, मैरियट चाहे वो कराची में हो, लाहौर में हो, कहीं पे भी हो, एक आपको नादिया कैफ़े ज़रूर नज़र आएगा। अब नादिया नाम क्यों रखा गया, तो जिनका मैरियट है, जिनका होटल है हिशवानी साहब, उनकी बेटी का नाम नादिया है और उनके नाम पे ये कैफ़े रखा गया है, और ये हर मैरियट में आपको नज़र आएगा। और इनका टेस्ट बाय द वे बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे बैठी हुई ये सोच रही थी कि 15 साल पहले जो एक धमाका हुआ था और बहुत सारी जानों को नुकसान हुआ था, वो इंसान तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अगेन चीज़ें बन जाती हैं उसी तरह से, लाइक यू नो दोबारा मैरियट बना और वो चमक धमक उसी तरह से कायम है। जिन लोगों का नुकसान हुआ, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दें, उनकी फैमिलीज़ को सब्र दें, बिकॉज़ बहुत मुश्किल होता है कि अगर कोई हादसे में जहाँ बहक हो जाए, चला जाए, गुजर जाए, उसको भूलना। सो जी, आज का दिन ज़बरदस्त गुजरा है, मूवी देखी, शॉपिंग की, उसके बाद मैरियट गई और वहाँ से अपनी रान, अपनी यार बकरे की रान लेकर आई। अच्छा जी, ये तो वही हो गए कॉम्प्लीमेंट्री नान जो कि हमें मिलने थे। इसके अलावा ये है जनाब चटनी, बिल्कुल टेस्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं, हौसला रखिए। और ये बड़ी चिल विल हुई है, ठंडी है, और ये सैलेड है। अब आते हैं रान की तरफ। ठीक हो गया, 33 नंबर था भाई जी। आपको एक टोकन दिया जाता है बिल के साथ, और ताकि आपके टोकन नंबर के मुताबिक वो रिजर्व कर सकें, बना सकें। और अब बारी आती है टेस्टिंग की, और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ यार। देखिए, अच्छा एक और चीज़, मुझसे लोग कहेंगे कि मैरियट क्यों या सेरिना क्यों, उस्मानिया क्यों, तो ये देखिए यार उनकी सर्विसेज, हाइजीनिक और क्वालिटी और फिर टेस्ट। चाहे तो आप बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट में नाम ले लूँगी, फिर आप लोग कहेंगे कि मैं शायद वो करूँ, लेकिन एक तरफ मैं अगर सोचूँ तो मुझे लगता है कि नाम ले भी लेना चाहिए। बट रखी इसकी कढ़ाई बहुत मज़ेदार है, मैं हमेशा खाना वहाँ से खाते प्रेफर करती हूँ, तो वो लोग भी ये सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको क्वालिटी चाहिए मैरियट की, और अगर आप 5 स्टार का टेस्ट इन्जॉय करना चाहते हैं, तो बड़े अच्छे एक थोड़े से बजट में, थोड़ा सा बजट बढ़ाने के बाद आप ये टेस्ट ले सकते हैं। एंड यार आई एम लविंग इट, मैं देख के दिल बाग बाग हो गया। अच्छा एक और चीज़ है, जब आप अपने लाइक गोश्त लेकर जाएंगे और आपके गेस्ट भी आने वाले, तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप सुबह जाएंगे तो आपको दोपहर में मिल जाएगा, या दोपहर में जाएंगे तो शाम में मिल जाएगा। 24 आवर्स चाहिए। लाइक मैं कल शाम 6 बजे देकर आई थी, और अभी मैंने आज 10 बजे पिक किया है, तो अपने आपके लाइक गेस्ट का स्केड्यूल तो पता ही होगा, तो उससे एक दिन पहले जाएं। इसके अलावा आपके 3 फ्लेवर्स होंगे, एक बारबेक्यू, एक तंदूरी और एक दम पुख्त। जो मैंने करवाया है ये है तंदूरी, क्योंकि जो दम पुख्त है वो बड़ा लाइट सा हो जाता है, और जो दूसरा वाला था बारबेक्यू वो जरा ज्यादा स्पाइसी हो जाता है, तो मैंने जरा माइल्ड स्पाइसेस के साथ रखा है इसको। सो लेट्स ट्राई नाउ। बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ 600 पर केजी के हिसाब से आपको मिलेगा। एंड वैसे मैं नान के साथ खाऊंगी, लेकिन आपको रिव्यू देने के लिए वाओ यार, मतलब यकीनन लग रहा है कि पैसे हलाल हुए हैं, गोश्त भी हलाल हुआ है जो आपने दिया है। नान जो है कॉम्प्लीमेंट्री है जी, और इसमें भी गालबन आपके पास 2 से 3 ऑप्शन होते हैं, आप उनको बता दें कि आपको जो ऑप्शन चाहिए। हम चटनी के साथ इसको ट्राई करते हैं, वे सैलेड है।
सैनिटाइज भी मैं अभी नहीं लूंगी क्योंकि रात का टाइम है। रैबिट भाई आप सोचोगे 600 पर केजी बहुत ज्यादा है, तो एक फायदा है अगर आपका यूबीएल अकाउंट है, एचबीएल अकाउंट है या अल्फा अकाउंट है या फैसल बैंक भी आई थिंक, लेकिन आप इनकी वेबसाइट पे पेज पे जाकर दोबारा से या कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं, तो उस पे आपको 45% डिस्काउंट मिलेगा। इट्स अ ह्यूज, जैसे कि 2088 रुपीज बने तो अराउंड 1200 रुपीज में आपको मिल जाएगा। तो उन कस्टमर्स के लिए तो मैं कहती हूँ ईद है, और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, स्पेशली जो मेरे मर्द हजरात भाई हैं, तो वो सोचोगे कि यार बीबी क्या मतलब आप घर में पहले खवातीन काम नहीं करती तो आप बाहर का मशवरा दे रही हैं। तो भाई बात सुने, एक घर पे भी इतना ही खर्चा आएगा, जितने भी स्पाइसेस यूज होंगे, मसाले यूज होंगे, बाकी सारा, और फिर टाइम भी इतना ही लगेगा, और सबसे बड़ी बात ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर आपने अपने दोस्तों को इंजॉय करने के लिए इनवाइट किया हुआ है तो यू नो कुछ खास होना चाहिए। और मेरे ख्याल में खवातीन को ये जो ईद का हफ्ता होता है या ईद के बाद का टाइम होता है कुछ टाइम रेस्ट देना चाहिए। सो अब जाते जाते आप लोगों ने एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दैट्स इट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल, बाय।